इटावा में शहर कोतवाली के पीछे और एक अन्य जगह फर्जी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनाने का बड़े पैमाने पर गोरख धंधा संचालित किया जा रहा है, जहां मतदान करने के लिए वोटर कार्ड से लेकर के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी सदर विक्रम राघव, तहसीलदार, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और कोतवाली पुलिस के साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले दो फोटोकॉपी शॉप और एक कंप्यूटर सेंटर पर छापा मार करके कुछ फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किए। वहीं एसडीएम सदर विक्रम सिंह ने राघव ने बताया कि कंप्यूटर सेंटर का संचालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे कंप्यूटर संचालक की हार्ड डिस्क और कुछ फर्जी प्रमाण पत्र और यहाँ बनाए गए दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साथ ही फोटोकॉपी कंप्यूटर सेंटर को सील करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरा यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। कब से आप यहाँ काम करते हैं? सर, दो महीने से अधिक से ज़्यादा नहीं हुआ है मेरे को यहाँ पर काम करते करते। यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे, ऐसा मामला आया सामने, क्या इस तरीके का काम होता था यहाँ पर? सर, मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जानती नहीं था क्या है क्या नहीं, किस फोल्डर में क्या है, हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। सीधी बात है, ये काम कौन करता था आपके? सर, इसके बारे में भी क्या हम बता सकते हैं कि कस्टमर और क्या बात हो रही, क्या आपने तो सिर्फ काम से काम में मतलब रहता था। हमारा सिर्फ जो मेन काम है वो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन से रिलेटेड सरकारी जो योजनाएं निकलती हैं उसके बारे में फॉर्म भरते थे, और क्या नाम उसके क्या बोलते हैं यार, जो योजना और जो भर्ती वगैरह निकलती है उसके बारे में, बस इसके बारे में हमारा कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फोटोशॉप कौन यहाँ पर चलाता था आपके यहाँ? फोटोशॉप कौन एडिट करता? फोटोशॉप का जो मेनली काम होता था, जैसे कि जो फोटो बनानी है, 30 की 6 फोटो बनती हैं, तो वो फोटो में अर्जेंट बना देते बस, और कुछ नहीं। कंप्यूटर फोटोशॉप कौन करता है? एडिट का काम कौन चलाता है यहाँ पर? ये चीज के बारे में भैया मेरे को नहीं पता, रियलिटी बता रहा हूँ। हम तो वीडियो देख रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं, वीडियो देख रहा था मैं तो, मेरे को ये भी नहीं पता एसडीएम साहब किस लिए आ रहे, क्या काम है, हमें तो अपने काम से मतलब है। पुलिस आई तब आपसे क्या कहा उन्होंने, क्यों आए? हटने के लिए कहा, हट गए भाई। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं क्यों हटता? और दूसरी चीज, उससे पहले इस दुकान के मालिक का नाम कौन है, कौन दुकान चलाता था? प्रभाकर मिश्रा भैया, प्रभाकर मिश्रा कहाँ है सर? अभी वो जमुना जी पे गए हैं, आ रहे होंगे किसी। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मिश्रा फोटो स्टेट, जो कि कोतवाली के पीछे है, यहाँ पर फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये बनाए जा रहे हैं। जब हमने यहाँ पर जांच की, यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स भी मौजूद रही है साथ में, ये पाया गया कि सिस्टम को जब चेक किया गया तो उसमें फोटोशॉप करे हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पाए गए हैं, जिसके हमने सैंपल सारे ले लिए हैं, वीडियोग्राफी भी कर ली है। जो यहाँ के दुकानदार हैं वो है नहीं, यहाँ पर फरार हैं, तो जो भी अब कानूनी कार्यवाही होगी नियमानुसार आगे वो करी जाएगी। क्या दुकान को फिलहाल सील करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, जो भी यहाँ पर अभी गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स और जो भी सिस्टम्स हैं वो सीज किए जा रहे हैं, दुकान भी सीज करी जा रही है। ठीक है, कब से इस तरीके की पहली बार चला, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? देखिए, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैंने टीम गठित करके हम यहाँ पर आए हैं। जिस फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, उसकी जांच के लिए किस तरीके की? देखिए, उसकी आगे भी जांच करी जाएगी, जो जो डॉक्यूमेंट जैसे बनाए हुए हैं उसकी विस्तृत जांच करके जो भी कार्यवाही होगी वो करी जाएगी।